करोड़ों मुस्कान नहीं होती, अगर लक्ष्मी होती तब भी मैं तारीफ करता उसकी। किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। ये जानबूझ करके इस प्रकार के विवाद विशेष तौर से कांग्रेस संस्कृति के पोषक लोगों के द्वारा खड़े किए जाते हैं। तो वहाँ का जो ड्रेस कोड है उसकी पालना करनी पड़ेगी, अगर आपने पालन नहीं करनी है तो अपने घर में रहिए। जय श्री राम और अल्लाह अकबर के नारे वहाँ 1885 किलोमीटर दूर कर्नाटक में लगे, मगर हिजाब पर हंगामा हो गया उत्तर प्रदेश में। वैसे भी चुनावी मौसम में ऐसे मुद्दे राजनीति को रास आते हैं, तो ये मसला भी रास आया, और ऐसा रास आया कि चुनावी राजनीति की धुरी बनकर घूमने लगा। शुरू से ही चुनावों में मुस्लिम मतदाता को अपना भाग्य विधाता मानकर बैठे असदुद्दीन ओवैसी की तो मन मांगी मुराद पूरी हो गई। अगर कोई लड़की पहले से हिजाब पहन रही है, ये परसों नहीं पहना गया, अचानक आपको क्यों ख्याल आ गया भाई, और आप ये नोटिफिकेशन क्यों जारी करते? और सबसे अहम बात यह है कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का एक डेटा है जो मोदी सरकार ने दिया, जिसमें यह कहा गया कि 21.9 मुस्लिम गर्ल्स जो 3 और 25 साल के हैं, वो कभी एजुकेशन लिए ही नहीं। आपका नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये बच्ची पढ़ रही है कॉलेज में जाकर, स्कूल में पढ़ रही है, आप क्यों रोकना चाह रहे हैं उनको? रोकने का मकसद क्या है आपका? आप तो पढ़ाइए ना। हाँ, हिजाब पहन रहे, हिजाब और निकाब जो है वो कुरान में आयत में लिखा हुआ है, कुरान की आयत में है, वो तो फर्ज है हर एक महिला को। आप नहीं पहनते अलग बात है, मगर वो तो उसका जिक्र है। अरे भाई, ड्रेस जो है ना आप कोई पहनिए, हमारा फेथ का हिस्सा, हम प्रैक्टिस कर रहे, और वो फेथ, और मैं आपको बता रहा हूँ ये जो है ना, ये फेथ से बढ़ के नफरत है, ये और कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ ये नफरत है और कुछ नहीं है। टीवी पे लोग देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे कमेंट्स कर रहे हैं। मुस्कान का वीडियो वायरल हुआ है। हाँ बिल्कुल हुआ है, और मैं सलाम करता हूँ उस बच्ची के माँ बाप को, कितने बहादुर लड़की को पैदा किया। मामूली बात नहीं है, अगर वो मुस्कान नहीं होती, अगर लक्ष्मी होती तब भी मैं तारीफ करता हूँ उसकी, इसलिए कि मेरे भी बेटियां हैं ना। एक बेटी, एक लड़की खड़े होकर उनके सामने कह रही है, दैट इज द स्टैंड ऑफ, क्या बोलना चाहिए, प्रोटेस्ट, आई विल नॉट बो डाउन, मैं झुकूंगी नहीं तुम्हारे चीख मारने से। ये हिम्मत पैदा करनी चाहिए महिलाओं में, ये बड़ी आसान काम नहीं था मैडम। ओवैसी का तो इस मुद्दे पर बोलना बनता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 100 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतार रखे हैं, ज्यादातर प्रत्याशी मुस्लिम हैं। ओवैसी हिजाब के भीतर से अपनी राजनीति को चमकते हुए देखना चाहते हैं, मगर कांग्रेस इसी बहाने बीजेपी की सरकार पर निशाने साध रही है। मैंने हिजाब पे बहस छेड़ी, देखिए एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं और ना होनी चाहिए। किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। आपको मैं कह रही हूँ वो स्कार्फ उतारो अपना। आप कहाँ भी, जहाँ भी हो, मुझे क्या अधिकार है आपको ये कहने का? नहीं है, सिंपल। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के खिलाफ झंडा बुलंद करने वाले मुनव्वर राणा की बेटी और कांग्रेस की नेता तो सीधे सीधे योगी सरकार पर सवाल उठा रही हैं। देखिए, अगर आप स्कूल की बात कर रहे हैं तो धार्मिक वस्त्र पहनकर तो माननीय योगी जी भी जाते हैं संसद, भगवा पहन के तो वो भी जा रहे हैं, तो क्या वहाँ ड्रेस कोड नहीं है? सीएम का कोई ड्रेस कोड नहीं होता? सीएम का ड्रेस कोड नहीं होता, लेकिन सीएम तो पूरे राज्य के सीएम होते हैं ना, एक विशेष वर्ग के तो सीएम होते नहीं है। सीएम साहब ने कभी टोपी नहीं लगाई, भगवा वो पहन लिया तो हम क्या समझें कि एक विशेष वर्ग के ही सीएम है वो? कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस मुद्दे को तूल देने का आरोप एक दूसरे पर ही लगा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और गाजियाबाद से सांसद जनरल वीके सिंह ने इसके लिए प्रियंका गांधी को जिम्मेदार ठहराया। अगर आप प्रोटेस्ट करवाओगे, इंजीनियर करोगे तो सब जगह प्रोटेस्ट हो जाएगा। ये प्रोटेस्ट कौन करा रहा है? विपक्ष। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस मुद्दे को तूल देने की जरूरत नहीं है? इसको तूल देने की जरूरत थी भी नहीं, ना ही तूल देने की कोशिश की गई है। इसको कुछ लोगों ने इंजीनियर किया है ताकि उनको फायदा मिले। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस विवाद के पीछे कांग्रेस को ही जिम्मेदार मानते हैं। ये जानबूझ करके इस प्रकार के विवाद विशेष तौर से कांग्रेस संस्कृति के पोषक लोगों के द्वारा खड़े किए जाते हैं। यह कौन सा विषय है कि अगर कोई कॉलेज अपना कोई यूनिफार्म का निर्धारण किया हुआ है और उस यूनिफार्म को पहन करके कॉलेज में जाना है, बाकी कॉलेज के बाद
आप क्या पहनना है नहीं पहनना ये तो स्वतंत्रता है, लेकिन यह विवाद का विषय नहीं था, लेकिन जानबूझ करके इसको तुष्टिकरण की राजनीति करने वालों ने विवाद को खड़ा किया है। तो कर्नाटक में हिजाब पर हंगामा भले हुआ हो मगर यूपी की सियासत हिजाब पर गहरी होती जा रही है। वैसे भी मामला कोर्ट में है, सिंगल बेंच ने लार्जर बेंच में मामले को भेज दिया है। आपको बता दें कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, उसके नोटिफिकेशन के बाद बवाल मचा, हिजाब पहने छात्राएं और भगवादारी छात्र आमने सामने आ गए। सवाल ये है कि अचानक ये विवाद सामने क्यों आया, क्या सोची समझी रणनीति के तहत चुनावों से पहले इस मुद्दे को भड़काया गया। यूपी की 58 सीटों पर गुरुवार को मतदान है, इन 58 सीटों पर सबसे ज्यादा 27% मुस्लिम मतदाता है। जाहिर सी बात है कि हिजाब का ये हंगामा यूपी चुनाव को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है। अब इस विवाद से किसे फायदा होगा किसे नुकसान ये तो बाद में मालूम चलेगा, मगर इतना जरूर है कि हंगामा बरपा है और जोरदार बरपा है। अंजना ओम कश्यप, हिमांशु मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।